ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखो मैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं थोड़ा। मैग्नेट, मैग्नेट सबने देखे, सब बच्चों ने, यू माइट हैव प्रोबेबली प्लेड विद अ मैग्नेट आल्सो, करेक्ट? यू ऑल हैव सीन मैग्नेट्स, यू माइट हैव प्रोबेबली प्लेड विद मैग्नेट्स, और बड़ा मजा आता है मैग्नेट्स के साथ खेलने में, करेक्ट? यस सर, यस सर। ओके, अब देखो मैग्नेट में क्या होता है, अब अगर आपके पास एक नॉर्थ सर, यू कैन मेक अ मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट बाय रबिंग लोडस्टोन अगेंस्ट या हम देखेंगे, सब देखेंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। आल्सो पहले मेरे एक इस क्वेश्चन का आंसर दो। मेरे पास यहाँ पे एक मैग्नेट है, मैग्नेट पे कौन कौन से दो पोल्स होते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इधर नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है? नॉर्थ पोल मतलब ये नहीं हुआ कि आपको नॉर्थ डायरेक्शन में रखना है, नो, यू कैन कीप इट एनीवे, दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन। नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पे कन्वेंशन है मैग्नेट में, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको मैग्नेट को हमेशा ऐसे ही रखना है, नॉर्थ मतलब यू नो नॉर्थ ऐसे रखना है, साउथ ऐसे रखना है, नो, आप ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो इसको, आप नॉर्थ यहाँ पे कर दो, साउथ यहाँ पे कर दो, दैट्स आल्सो परफेक्टली ऑल राइट, करेक्ट? तो ये कन्वेंशन कैसे पड़ा नॉर्थ पोल? तो पहले के जमाने में मैग्नेट्स किसके लिए यूज होते थे? दे वर यूज्ड फॉर नेविगेशन सर, इन कंपास सर, देयर इज साउथ मैग्नेट, सो इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ पोल। यस, तो अब नेविगेशन में अगर आप देखोगे तो नेविगेशन में दे हैव दिस कंपास नीडल, तो इफ द नॉर्थ नॉर्थ दिस नॉर्थ नॉर्थ पोल ऑफ दैट कंपास नीडल, करेक्ट, वो जहां पे एक एक डायरेक्शन ऑफ कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ पोल, तो उसको उन्होंने बोल दिया दिस इज नॉर्थ नॉर्थ ऑफ द मैग्नेट, करेक्ट? इसीलिए आप देखो अर्थ का एक्चुअली अगर आप देखो, आपको ये तो मालूम ही होगा बच्चों, नॉर्थ एंड नॉर्थ आर ऑलवेज रिपेलिंग ईच अदर, साउथ एंड साउथ आर ऑलवेज अट्रैक्टिंग ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल, यस, लाइक पोल रिपेल्स, अनलाइक पोल दे सर अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, सो नॉर्थ नॉर्थ विल रिपेल ईच अदर एंड नॉर्थ साउथ दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, यू हैव गिवन ओवर हियर, यस, पॉजिटिव। अब देखो अर्थ के केस में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन द केस ऑफ अर्थ, अर्थ थोड़ी अच्छी नहीं बनी है, तो अर्थ के केस में एक्चुअली जो नॉर्थ पोल है जिसको आप नॉर्थ पोल बोलते हो, वहां पे कौन सा मैग्नेट का कौन सा पोल होना चाहिए? नॉर्थ पोल सर, नॉर्थ पोल नहीं, यहाँ पे मैग्नेट का साउथ पोल होगा, तभी तो वो आपके कंपास का साउथ नॉर्थ पोल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ना। हाँ यस सर, सोच के देखो ना लॉजिकली, यस सर, अगर अर्थ का नॉर्थ पोल पे साउथ वाला, अर्थ का दिस इज नोन एज जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, ठीक है, दिस इज नोन एज जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल, तो अर्थ के केस में यहाँ पे जो जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, करेक्ट, जब यहाँ पर आप तुम्हारा कौन सा पोल रहेगा, यहाँ पर तुम्हारा जब मैग्नेट का साउथ पोल रहेगा, तभी तो वो इस मैग्नेट कंपास का नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है कि नहीं है, है कि नहीं बच्चों? Yes, sir. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, कि नॉर्थ एंड नॉर्थ विल ऑलवेज रिपेल, नॉर्थ एंड साउथ विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो अट्रैक्ट किसको, मैग्नेट किस कौन से किस मटेरियल को अट्रैक्ट, कौन कौन से मटेरियल को अट्रैक्ट कर सकता है? निकल, 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 सर, निकल, कोबाल्ट, टिन, सर, मैग्नेटिक मटेरियल्स, हाँ तो मैग्नेटिक सर, आयन, कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स जल्दी से बताइए, मैग्नेटाइट, आयन, कॉपर, गोल्ड, कॉपर एक मैग्नेटिक, माय गॉड, अरे इट्स टिन, सभी मैग्नेटिक मटेरियल है, बट सबसे मैग्नेट जिनको अट्रैक्ट करता है, कोबाल्ट, निकल, निकल, कॉपर इज मैग्नेटिक, वेरी डू यू से कोबाल्ट, निकल, आयरन को क्यों भूल गए आप लोग बच्चों, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड देन और कोई है सर, लोड, टिन, तीन ही याद है, टिन, मैग्नेटाइट, नहीं वो सब उसके एलॉयज है, करेक्ट, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, दे कैन बी अट्रैक्टेड बाय अ सर, जिंक, नहीं और कोई नहीं है, बाकी भी मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, इवन आपको जान के बहुत हैरानी होगी, ऑक्सीजन जो गैस है दैट इज आल्सो मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिज्म जो हर चीज में है बच्चों, लेकिन जो आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये जो मटीरियल्स है ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाते हैं एंड दे गेट अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट, सर मैग्नेटाइट इज नेम्ड आफ्टर गाय, अ ग्रीक गाय नेम मैग्नेस, हु गॉट, ही हैड आयरन बूट्स एंड एन आयरन स्टाफ, देन ही एक्सीडेंटली सैट ऑन अ मैग्नेटाइट,
So he was a shepherd. He sat on magnetite, and then his iron staff and boots got stuck to it. इसके शायद शूज आयरन शूज में कुछ आयरन का सोल था तो दे ही वाज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट ना ऐसा या या दैट्स अ वेरी गुड स्टोरी तो बट ध्यान रखना बच्चों एवरी मटेरियल शोज मैग्नेटिज्म ठीक है हर मटेरियल के पास सर कैन आई ब्रिंग मैग्नेट्स बाद में एट एंड ऑफ द लेक्चर मैग्नेट तो सबने देखा है नथिंग न्यू अबाउट इट करेक्ट तो एक चीज ध्यान रखना मैग्नेट जो होता है बच्चों सब चीजों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है लेकिन आयरन कोबाल्ट और निकल बहुत ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं करे अगर मान लो बाकी सब मटेरियल में 1% है तो आयरन कोबाल्ट निकल उनमें 100% रहेगा यू नो तो दे गेट अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स वेरी वेरी फास्ट वेरी क्विकली दे गेट अट्रैक्ट इसीलिए इनफैक्ट आपको अगर कचरे से आयरन को सेपरेट करना यू नो व्हाट दे यूज कैसे वो कचरे से आयरन को ये करते हैं मैग्नेट से सेपरेट करते हैं मैग्नेट से सब इलेक्ट्रोमैग्नेट सेपरेट करते हैं सर स्क्रैप यार्ड में भी अगर हैवी लोड उठाने होंगे तो बहुत पावरफुल मैग्नेट यूज करते हैं यस स्क्रैप यार्ड या मान लो कचरा है उसमें आपको फाइंड करना है कि कौन-कौन से मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं और तो मैग्नेट से उनको सबको ये कर लेते हैं फिर उसको वॉश वॉश करते हैं एंड देन फिर उसको दोबारा से मेल्ट करके आयरन वायरन बिकॉज आयरन को आप मेल्ट भी कर सकते हो ना आयरन एंड ऑल तो फिर उनको वहां से आप यू नो यू कैन काइंड ऑफ मतलब आयरन वायरन जो वहां से निकाल सकते हो आप उनको मेल्ट वेल्ट करके एंड यू कैन रीकास्ट इनटू सम अदर थिंग्स आयरन को उनके अलॉयज बना सकते हो तो ठीक है एनीवेज दिस वाज अबाउट मैग्नेट का प्रॉपर्टी एक और मैग्नेट का अच्छा ठीक है मैग्नेट का एक और प्रॉपर्टी है क्या प्रॉपर्टी मैग्नेट का एक और कि अगर आप मैग्नेट को तोड़ देते हो ठीक है अगर आप मैग्नेट को तोड़ देते हो तो ये जो है दो मैग्नेट में बन जाएगा ठीक है तो मान लो नॉर्थ पोल या साउथ पोल है तब यहाँ पे कौन सा पोल आ जाएगा यहाँ पे नॉर्थ ही रहेगा यहाँ साउथ आ जाएगा यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा यहाँ पे साउथ आ जाएगा ठीक है अगर मान लो आप इसको तोड़ देते हो तो नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ एंड साउथ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यस सर समझ रहे हैं या सो नॉर्थ साउथ एंड नॉर्थ साउथ इट्स लाइक दैट तो मैग्नेट एनी मैग्नेट व्हेन ब्रोकन इट बिकम्स अ न्यू मैग्नेट तो दिस इज आल्सो वेरी वंडरफुल प्रॉपर्टी तो क्या केवल नॉर्थ पोल केवल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर सकता है केवल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर सकता है नहीं तो नॉर्थ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नॉर्थ पोल कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली सर इवन साउथ दैट मींस बोथ पोल्स कांट हां नॉर्थ और साउथ 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 और नॉर्थ पोल कांट इन ठीक है चल नेक्स्ट प्रॉपर्टी चलो अभी बच्चों मुझे एक बात बताओ आप ये जो नॉर्थ पोल है ये नॉर्थ पोल को रिपेल करे क्यों रिपेल कर रहा है सर नॉर्थ पोल को रिपेल कर दे क्यों रिपेल कर रहा है सर बिकॉज़ इट इज अ मैग्नेट सर बिकॉज़ दे आर सेम चार्ज वार्ज का कोई कंसेप्ट नहीं है मैग्नेट अलग मैग्नेट में चार्ज कहाँ से आ गया आपका सर दे बोथ हैव अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम दैट दे कांट पास थ्रू आप थोड़ा सा पास में हो बेसिकली बराबर है बराबर तो मैग्नेट के जो मैग्नेट लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं रीजन इज मैग्नेटिक फील्ड क्या रीजन है इसका बच्चों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक दूसरे को ये attract करते हैं they are attracting either because of magnetic field and repelling also because of magnetic field ठीक है root m yes तो यहाँ पे हमने basically तीन basic सी properties देखी magnet की कौन कौन सी देखी let them step let them
पुट इट पॉइंट वाइज, पहली प्रॉपर्टी क्या देखी हमने, लाइक पोल्स रिपेल, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, लाइक पोल रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखी, आप मैग्नेट को तोड़ देते हो तो नॉर्थ साउथ में ये को बन जाता है करेक्ट। तो इसको आप कैसे नाम दे सकते हो, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनो, मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल करेक्ट, मैग्नेटिक सिंगल यस, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी भी इसका, मैग्नेट्स हैव मैग्नेटिक फील्ड अराउंड, मैग्नेट्स हैव मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देम। ठीक है ना बच्चों, ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। सर व्हाई डोंट मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट? और देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत क्वेश्चन आ सकता है आपको। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, हमेशा नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ की तरफ आती है करेक्ट, और अंदर कैसे चलती है, अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है। बाहर कैसे चले, नॉर्थ से साउथ, अंदर कैसे चले, साउथ से नॉर्थ। बाहर देखो कैसे चली, नॉर्थ से साउथ, अंदर कैसे चल रही है, साउथ से नॉर्थ। ठीक है करेक्ट, इट मूव्स फ्रॉम सर यस। Sir, why don't magnetic monopoles exist? Magnetic monopoles exist. It can't exist by itself. बहुत बड़ी थ्योरी है, but I don't want to go into the details of that. अभी आप याद रखो बस, magnetic monopoles exist नहीं करते हैं. Okay sir. ठीक है, उसका reason जो है, it has to do with magnetic moment and all. वो सब आप आगे पढ़ोगे. When you reach probably 10th, 11th, 12th, तो आप वहाँ पे chapter पूरा आपको detail में पढ़ाया जाता है. Why magnetic monopoles exist क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उसके लिए फिर आपको मोमेंट और ये सब पढ़ना पड़ेगा, तो इतना भी मत पढ़ो आप जैसे याद रख लो, एज अ रिजल्ट आप याद रख लो कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते, और आप इस रिजल्ट को वेरीफाई करोगे इन योर हायर क्लासेस व्हेन यू आल्सो हैव गुड डील ऑफ मैथमेटिक्स विद यू। सो इट मूव्स फ्रॉम नॉर्थ, क्या किस, इट हियर मींस व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इट हियर इज मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिख देता हूँ। चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, आउटसाइड एंड साउथ टू नॉर्थ पोल इनसाइड। ठीक है, ओके सर। तीन प्रॉपर्टीज एटलीस्ट आपको याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी, तीन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी बच्चों? रहेगी सर। ओके, और ये ध्यान रखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी क्लोज लूप लाइंस है, कैसी है क्लोज लूप, दिख रहे हैं यहाँ पे लूप बन, लूप मतलब क्या, दिस इज अ लूप, ठीक है दिस इज अ लूप। तो यहाँ पर देखो एक लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑलवेज फॉर्म अ लूप। ठीक है, इसको लिख जल्दी से लिख लो, सब बच्चों को यहाँ पर दिख रहे हैं सब बच्चों को, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल कौन सा है, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा है, सर द मिडल वन, सर द मिडल वन, आई कैन नॉट हिट एनीवन सर, आर द रेड वन, राइट और लेफ्ट, सर द व्हाइट, सर व्हाइट, अरे नॉट व्हाइट इट्स रेड, दिस मैग्नेट इट वुड बी रेड, रेड रेड इज एक्चुअली द नॉर्थ पोल, आई थिंक इसको जब हम घुमाएंगे तो देखो क्या होगा। Sir, this one I don't understand. It's magnetic field that is very complex equation. Yeah. ये देखो यहाँ पर इस magnetic, so there are multiple compasses. इधर ध्यान दो। इस magnetic, इस magnet से क्या निकल रही है बाहर, आपको दिख रहा है magnet field, तो I'll let me mark it. तो अगर आपको ऐसा कोई सर्किट दिया तो अब आपको पूछा गया नॉर्थ पोल कहाँ पर है, तो कैसे कैसे पहचानोगे नॉर्थ पोल कहाँ पर है? देखो जहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है that will be my north pole, और जहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है that will be probably my south pole,
How do we know when the magnetic field? Oh, there are arrows used. एरोस से पता चलेगा ना, वही तो बोल रहा हूँ आपको. एरोस तो देखो, एरोस बाहर जहां पे जा रहे हैं वहां से पता चलेगा. दूसरा यहाँ पर देखो, ये मैग्नेटिक कंपास है. क्या है बच्चों? ये मैग्नेटिक कंपास है, ठीक है. तो मैग्नेटिक कंपास में जो रेड वाला पार्ट होता है वो हमेशा नॉर्थ पोल लेते हैं, और जो रेड नहीं रहते तो साउथ पोल साउथ पोल. सो इफ यू टेक अ मैग्नेट नियर अ कंपास देन द कंपास गेट्स ब्रोकन राइट. Like it stops pointing towards north. Yeah, तो नहीं, it doesn't get broken. तब देखो, जब आप इस compass को magnet के पास लेके आओगे, तो क्या होगा? What will happen? Sir, why in the forest we magnet doesn't work? एक करके आते हैं. पहले I'll come to your doubt. जब आप इस magnet को इस compass को magnet के पास लेके आओगे, देखो, I'll try to bring it देखो यहाँ पर. क्या हुआ यहाँ पर बच्चों? व्हाट हैपेंड यहाँ पे? सर नॉर्थ पोल सर वो हॉरिजॉन्टल हो गया. हॉरिजॉन्टल हो गया. जब इसको मैं यहाँ पर लेके आऊंगा तब क्या होगा? देखो यहाँ पर वो वर्टिकल हो रहा है. यहाँ पर लेके आऊंगा तब क्या होगा? सर वो पूरा वर्टिकल है. या तो बेसिकली अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनानी है तो मैं क्या करता हूँ, इस मैग्नेटिक कंपास को ना यहाँ पर ऐसा रख देता हूँ, ठीक है. एंड व्हाट हैपेंस, यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लो. इसको यहाँ पर लेके आओ, ठीक है. या इसको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर Yeah. So now just see, I have kept this magnetic needle over here, correct? इस point पे रखा. तो देखो अभी कहाँ पे point कर रही है? ये यहाँ पे point कर रहा है, correct? कहाँ पे point कर रहा है बच्चों ये? It is pointing over here. अब जब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, देखो, it is pointing over here. तो ऐसे आप क्या कर सकते हो? ऐसे आप इसको अलग-अलग जगह पे रखो और आपके पास कई सारे points मिल जाएंगे आपको, ठीक है? आपको क्या होगा, कई सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे. जैसे अगर आप इसको यहाँ पे रखो तो आपको ये वाला पॉइंट मिल गया, आपको यहाँ पे रखो ये वाला पॉइंट मिल गया, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जैसे कई सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे. यहाँ पे रखो तो प्रोबेबली एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा. और फिर इन सब पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर दोगे आप यूजिंग फ्री हैंड, वो आपकी क्या हो जाती है, वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है. ठीक है बच्चों, समझ में आई बात की नहीं आई? यस सर. ओके. अच्छा यहाँ पर एक चीज और देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक्चुअली मैग्नेट के अंदर से निकल रही है, मतलब यहाँ से नहीं निकल रही, स्लाइटली थोड़ा अंदर रहता है. नॉर्थ पोल जो स्लाइटली थोड़ा अंदर रहता है, साउथ पोल जो है स्लाइटली थोड़ा अंदर रहता है, ठीक है. तो इतनी बातें, किसी बच्चे को कुछ डाउट इतनी बातों में? नहीं सर. तीन पॉइंट ऊपर देख लेते, एक पॉइंट और देखा. व्हाट वाज दैट पॉइंट? पोल्स आर स्लाइटली इनसाइड द मैग्नेट. Poles are slightly inside the magnet. So what does that mean? I don't understand. Because it emerges from the middle. Not from the middle. देखो, ये अगर आप field lines देखोगे तो field lines actually slightly जो है ना, अगर आप especially पीछे का trace करोगे, सारी field lines एक अंदर की तरफ meet करती हैं. Yes sir. यहाँ पे जो field lines हैं ये कहाँ पे meet? Okay sir. Thank you for explaining. The magnetic field looks like there are hundreds of eights just connecting to the north and south. ठीक है ना बच्चों? तो ये magnet के अंदर north pole है तो यहाँ पर ही कहीं तो south pole रहता है, ठीक है? This is how it works. Okay, इधर देखो, how to magnetize a magnet. How to magnetize a material? Sir, can we magnetize a magnet further? Yes. हाँ, उसकी intensity बढ़ा सकते हो. You connect a copper wire to it and turn the electricity. It gets zapped and turns into electromagnet. तो मैंने I think आपको I didn't show you but ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको next time.
अगर आप एक आयरन नेल लेते हो, नेल मतलब इस तरह का एक आयरन, आप एक घर में भी कर सकते हो ट्राई. सर आई एंड स्क्रू सर देन यू रैप अ कॉपर वायर अक्रॉस इट एंड देन यहां पे कॉपर वायर से रैप करो, इस तरह कॉपर वायर रैप करो ठीक है, देन इट गेट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ठीक है. और इसको कई सारे कॉपर वायर रैप करो यहाँ पे, इसको टेप से चिपका दो सब चीजों को ठीक है. करेक्ट, इस वायर को टेप से ऐसे चिपका दो सो दैट इट्स स्टेशनरी इन इट्स पोजीशन. इसके बाद क्या करो, यहाँ पर एक बैटरी लगा दो ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी लगा दो तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे कुछ करंट पास होगा. सर इट टर्न्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेट. यस सर, इट टर्न्स इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्चुअली. तो यहाँ पर आप पुराने जापानीज रेडियो, सर पुराने जापानीज रेडियो को कॉपर वायर क्यों होती थी? एक सेकंड, पुराने के जापानीज रेडियोज, रेडियोज में कॉपर वायर, वी आल्सो यूज कॉपर वायर ओनली. किसी बच्चे को मालूम है तो बता सकते हो. सर द साउंड वेव्स कम फ्रॉम द मैग्नेट्स, साउंड वेव्स कम फ्रॉम द मैग्नेट. सर व्हेन द मैग्नेट्स रब अगेंस्ट ईच अदर समथिंग हैपेंस लाइक दैट. ओके, बट आई हैव हर्ड, सी अब आती होगी उसमें कुछ मैग्नेट के कंपोनेंट लगे रहते होंगे, बट इट इटसेल्फ इज, इट माइट बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस. करेक्ट, तो कई सारी चीजें होंगी ना, केवल मैग्नेट थोड़ी ना होगा, केवल मैग्नेट की वजह से साउंड नहीं आ सकती है. उसमें एक वाइब्रेशन के लिए आपने उसमें एक मेम्ब्रेन लगाया होगा, फिर कुछ आपका ये रहेगा सर्किट बोर्ड रहेगा उसमें, तो मेनी थिंग्स मस्ट बी देयर. तो ये सब थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, एक ही चीज उसमें नहीं रहती. करे चलो, तो यहाँ पर फोकस करते हैं हाउ टू मैग्नेटाइज अ मटीरियल. तो पहला इस तरह का जो मैग्नेट बनता है आपका, यहाँ पे जब भी करंट पास होगा, मान लो पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल करंट ऐसे गया, तो यहाँ पे व्हाट विल हैपन, यू विल सी इट विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग सम पिंस, स्टार्ट अट्रैक्टिंग सम स्मॉल स्मॉल पिंस. ठीक है, समझ रहे हो बात को कि नहीं? समझ रहे हो बात को? तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. सर सर, और बताओ और कहां पे यूज होते इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इसकी यूजेस बताओ. सर ऑन द ट्रेन ट्रैक्स, सर मैग्लेव ट्रेन, मैग्लेव ट्रेन, दे आर फ्लोटिंग. Yeah, they are yes, similar maglev trains. और बताओ. सर बेल्स में भी यूज करते हैं ना? इसमें बेल्स हाँ, यस यू हैव दिस, इलेक्ट्रिक बेल्स जो रहते हैं ना, वहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज. देखो मैं दिखाता हूँ आपको. So the bell, so there's a thing it bangs against the bell. Sir, aviation में भी यूज होते हैं. क्या 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 होते हैं? एविएशन में भी यूज होते शायद से मैंने. और बताओ कहाँ पे यूज होते इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? हाँ सर, इन एयरफोर्स देयर आर दोस टेक्निकल प्लेन्स, दे आल्सो यूज. मतलब ऐसा कोई प्रोमिनेंट यूज दिखाओ मैग्नेट्स का. सर मैंने बहुत बार देखा है मैंने. सर टू रिमूव द आयरन फिलिंग फ्रॉम वेजिटेबल्स, सर टू रिमूव द आयरन फिलिंग फ्रॉम वेजिटेबल्स. अब वेजिटेबल में कहाँ आयरन फिलिंग्स होती है? आयरन फाइबर्स. Sir, I've seen that my even separating iron filings from vegetables. Sir, I've seen that my father always carries magnets when he goes to his office. अच्छा, नहीं तो he might be carrying magnets ना? I'm asking electromagnets. Sir, he works in aviation. My father works in aviation, so. Okay. There might be something. Yeah. I'm asking electromagnets. चलो अभी सब लोग म्यूट हो गए, तो अभी जिसको बोलना है यू कैन रेज योर हैंड वैलिड टॉपिक पर. ठीक है चलो, तो बच्चों यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है. ई दिख रहा है आपको? ई इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो होता है कि जैसे ही आप बेल को प्रेस करते हो, जैसे आप बेल इस वाले स्विच को जैसे आप प्रेस करते हो, वैसे क्या होता है, यहाँ से वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है. करेक्ट,
यहाँ पे जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा यहाँ पर, दिस ये जो है ये एक मैग्नेट में बन जाएगा, दिस विल बिकम ए यू शेप्ड मैग्नेट। जैसे ही ये मैग्नेट बना वैसे ही क्या होगा, ये अपनी तरफ टंग से क्या करेगा, इसको इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैग्नेट, ये मैग्नेट बन गया ना अभी, और ये आपका आयरन का रहता है, तो जैसे इसको आयरन को अट्रैक्ट करेगा वैसे यहाँ से क्या होगा, घंटा बच जाएगा आपका। ठीक है, समझ रहे हो कि समझ रहे हो, समझ रहे हो बच्चों कि नहीं? जैसे ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा वैसे ही घंटा बच जाएगा। ठीक है, और अभी देखो यहाँ पर ये एक असेंबली रहती है जो कि इसको फिर दोबारा नीचे की तरफ खींचती है, करेक्ट? लेकिन ये बिकॉज यहाँ पे मैग्नेट है तो मैग्नेट दोबारा से इसको अपनी ऊपर अपनी तरफ ऊपर खींचेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको टन 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 ऐसे आवाज सुनाई देगी, मेनी टाइम्स सेवरल टाइम्स इट विल इट्स गोइंग टू हिट दिस दिस गोंग। ठीक है, तो यू विल हियर साउंड ऑल्सो मेनी टाइम्स, yes, school bells and all they use this principle. तो ठीक है, मैग्नेटिक टेज में इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, और कहाँ पर हमने देखा, हमने देखा इलेक्ट्रिक बेल्स में मैग्नेट यूज होता है, और कहाँ पे, स्क्रेप यार्ड में, किसी ने तो बोला मुझे स्क्रेप यार्ड, यस स्क्रेप यार्ड एंड ऑल, तो वहां पर क्या होता है, टू सेपरेट अ मटीरियल, मतलब स्क्रेप यार्ड में अगर आपको मटीरियल सेपरेट करना है, कौन सा मटीरियल, आयरन मटीरियल फ्रॉम द अदर वन, तो आप मैग्नेट्स का यूज करते हो। ये सब कुछ यूजेस है मैग्नेट के। तो ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, करेक्ट करेक्ट। नाउ वी कैन ऑल्सो मेक परमानेंट मैग्नेट इन लैबोरेटरी, हाउ कैन वी मेक परमानेंट मैग्नेट्स इन लैबोरेटरी, मालूम है किसी को, हाउ कैन वी मेक परमानेंट मैग्नेट इन इन लैबोरेटरी? ठीक है, तो अब इसके लिए देखो जो यू नो इस मेथड को क्या बोलते हैं, मेथड को क्या बोलते हैं, हाउ कैन यू मेक अ परमानेंट मैग्नेट्स इन लैबोरेटरी, आई म्यूट म्यूट यू ऑल, अभी अगर किसी को मालूम है तो बताओ मुझे। मैग्नेटाइजेशन, नॉट मैग्नेटाइजेशन तो प्रोसेस को ही बोलेंगे, बट टच एंड स्ट्राइक मेथड बोलते हैं बेसिकली इसको, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं टच एंड स्ट्राइक मेथड। तो बेसिकली हम क्या करते हैं यहाँ पर, एक आयरन के रॉड को रखते हैं, दिस इज माय आयरन रॉड, ठीक है, और हम एक मैग्नेट लेते हैं, नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है। ठीक, तो जैसे आप इसको ऐसे ऐसे स्ट्राइक करते जाओगे, मेनी टाइम्स यू हैव टू स्ट्राइक इट ऑन दिस आयरन रॉड, करेक्ट? तो जब आप इसको बाद में इसको निकाल लोगे ऐसे, व्हाट हैपेंस इज ये वाला जो नॉर्थ पोल अभी कहाँ पे बनेगा, यस एनीवन नो सर, लेफ्ट नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा, किस कहाँ बनेगा सर, नॉट योर लेफ्ट मीन सर योर लेफ्ट, नॉर्थ पोल यहाँ बने बनना चाहिए, ओके, और साउथ पोल यहाँ बनेगा, हाँ सर यस सर, तो नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा, साउथ पोल यहाँ बनेगा। ठीक है, एक और तरीके से आप कर सकते हो, तो ये सिंगल स्ट्राइक मेथड, इसको क्या बोल, इसको दिस इज सिंगल स्ट्राइक मेथड, ठीक है, फिर वी कैन ऑल्सो हैव आई मीन वी कैन ऑल्सो यूज ये डबल स्ट्राइक मेथड, व्हाट इज डबल स्ट्राइक मेथड, हेलो, यस यस, हेलो साउथ एंड, चल अभी आई एम अगेन गोइंग टू म्यूट एवरीवन, नो सर नो सर, सो सब लोग अपने आप से म्यूट हो जाओ सर, वी विल म्यूट, अगर कोई बदमाशी करेगा तो आई विल म्यूट एवरीवन देन, ओके। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, दो मैग्नेट लेते हैं और उसको फिर स्ट्राइक करते हैं, कैसे स्ट्राइक करते हैं,
सर डू यू हैव टू रब द मैग्नेट अगेंस्ट इट और हिट इट? यस, तो अभी हम देखो इसको ऐसे जब ऐसे स्ट्राइक करते हैं बार बार। अब बताओ इसको जब बाहर निकालोगे तो नॉर्थ पोल कहाँ पर आएगा? राइट 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 पे आएगा। यस, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है ना, नो नो नॉर्थ नॉर्थ सॉरी लेफ्ट 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 आता है, यहाँ पे साउथ आता है। ठीक है सर, बिकॉज़ ऑन वन साइड देयर आर टू साउथ पोल मैग्नेट। यस यस, ठीक है, तो यहाँ पर ही ऐसे आ जाता है, करेक्ट? इसको हम बोलते हैं डबल ऑन द अदर साइड। तो बच्चे दोनों का डायग्राम जल्दी से ड्रॉ करो और दोनों को लिख लो, जल्दी से दोनों का डायग्राम ड्रॉ करो और अच्छा डायग्राम ड्रॉ करना और लिखो इसको जल्दी से। ठीक है, और सुशिप में यस। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, पियानो। ओके बच्चों, देखो अब लास्ट पार्ट है, जल्दी से देख लो इसको, आफ्टर दिस आपकी छुट्टी हो जाएगी। केयर टू बी टेकन या हाउ टू हैंडल अ मैग्नेट, लेट्स गिव दिस हेडिंग, हाउ टू हैंडल अ मैग्नेट। सर वी हैव जॉइंट एग्जाम। हां, आई कैन हियर यू नाउ। सर कैन यू टेल व्हेन इज टुडेस टेस्ट? वो आपको पता है ग्रुप में आपको मैसेज आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी ध्यान से सुनो यहाँ पर, तो हाउ टू हैंडल अ मैग्नेट, तो जनरली जब हम मैग्नेट्स को हैंड मतलब सपोज हमें एक बॉक्स में सर यू नीड मैग्नेटिक कीपर फॉर सेट फॉर मैग्नेट, ठीक है बराबर, आई विल कम टू दैट पॉइंट आल्सो। तो अभी सपोज आपको यहाँ पे नॉर्थ साउथ ऐसे मैग्नेट रखना है, करेक्ट? नॉर्थ साउथ, अब अगर आप यहाँ पे नॉर्थ रखते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साउथ रख दो, यहाँ पे साउथ नॉर्थ, करेक्ट? सर एक्चुअली देयर शुड बी अ वुडन बार इन मिडल ऑफ देम। हाँ, ये ऑब्वियसली यहाँ पे वुडन बार भी रख सकते हो आप, साउथ नॉर्थ, और यहाँ पर आपका कैसा होना चाहिए, यहाँ पर अगेन साउथ नॉर्थ। देखो इससे होगा क्या, मैग्नेट की जो फील्ड लाइन है जैसे साउथ से नॉर्थ गई, ठीक है, फिर यहाँ से ये साउथ से नॉर्थ, ये फ्लो में बनी रहेगी, करेक्ट? सर सो इट फॉर्म्स इलेक्ट्रिसिटी। यस, अगर आप उल्टे सीधे तरीके से रख दोगे तो क्या होगा, मैग्नेट आपके डीमैग्नेटाइज हो सकता है। डीमैग्नेटाइज मतलब क्या हुआ, इट में सर इट लूजेस इट्स मैग्नेटाइज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, करेक्ट? तो ध्यान रखना है आपको कि आपको हमेशा मैग्नेट को एक ऐसा पर्टिकुलर सीक्वेंस, नॉर्थ साउथ इस पोल हमेशा साथ में होने चाहिए, इसीलिए मैग्नेट में जो मार्किंग रहते हैं ना, कभी कभी देखो यहाँ पर, यहाँ पर या तो इसको रेड कर देते हैं या तो यहाँ पर एक व्हाइट कलर का कैसा स्पॉट बना देते हैं, दिस इज सिग्निफाइज इट्स अ नॉर्थ पोल, या इसको रेड कर देंगे कभी कभी, ठीक है? सर यूजुअली सीर मेनी पीपल सॉरी सर मेनी पीपल लेफ्ट। ओके ओके, जितने उतने ध्यान से सुनो इस बात को। ओके, देन एक और तरह का मैग्नेट होता है, हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट है, अगर हॉर्स शू मैग्नेट पर रख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक सर यू हैव टू पुट आयरन बार और समथिंग। यस, यहाँ पे करेक्ट, तो इससे क्या सर, बट बोथ द पोल्स आर पॉइंटिंग मींस टू वन डायरेक्शन, तो इससे होता है क्या, ये आयरन बार अगर आप यहाँ पे ऐसे लगा देते हो तो इससे होता क्या है कि एक काइंड ऑफ अगेन यहाँ पे एक फ्लो बन जाता है, करेक्ट? मैग्नेटिक फील्ड का कैसा फ्लो बन जाता है, विच कीप्स इटसेल्फ इंटैक्ट। ओके, फिर दूसरे तरीके है, अगर आपको किसी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना है, हीट इट, डीमैग्नेटाइजिंग अ मैग्नेट। ओके, यू कैन हीट इट, यू कैन हैमर इट, हैमर मतलब क्या, पटको वटको उसको, यू नो, तो हीट करो, हैमर करो, आपका जो मैग्नेटाइज है, मैग्नेट जो भी आपका मैग्नेट है, इट बिकम्स डीमैग्नेटाइज, मतलब अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है, ठीक है? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर हैंडलिंग अ मैग्नेट, ठीक है? और बताओ अच्छा, मैग्नेट का यूज और कहाँ कहाँ पर होता है, मैग्नेट्स की बहुत जगह होता है एक्चुअली यूज, मोटर में होता है, हाँ बोलो, तो यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स देखते हैं अभी, तो कहाँ कहाँ पर होता है बच्चों परमानेंट मैग्नेट्स का यूज, मोटर्स में होता है,
especially DC motors. So to separate iron from sand. DC generators, yeah, you can separate iron from sand and all that, correct. ठीक है, फिर फाइंडिंग डायरेक्शंस यूज कर सकते हो आप. सर फ्रिज, कंपास नीडल में. सर बैज. ठीक है, तो ऐसे कई फ्रिज ऑन द एज ऑफ द फ्रिज देयर इज लाइक मैग्नेट सो इट गेट्स स्टक टू इट. सर कई यूजर्स के निकाल सकते हो परमानेंट मैग्नेट के यूजर्स के. ठीक है, ठीक है बच्चों. Yes sir. You know, with this we turn on marathon badges. Yes yes. So with this we end this chapter magnetism. अभी next आपका chapter है measurement and math. ठीक है, okay इधर ध्यान दो. Next chapter आपका magnetism and math है. We will see that in our next class. ठीक है. So can I show you my circuit? हाँ, अभी जिसको जो दिखाना दिखाओ.